अभी तक तीसरी काउंसलिंग के तहत 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,696 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाना है और उससे संबंधित जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है और इन सभी चयनितों को 23 जुलाई को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। अब इसके बाद चौथी काउंसलिंग की प्रक्रिया में रिक्त पदों की संख्या यहाँ पर घोषित हो रही है और इसी के क्रम में आज की अपडेट है कि तीसरे चरण में खाली रह गए पदों को भरने के लिए चौथी काउंसलिंग की जो मांग है वो अभ्यर्थियों ने शुरू कर दी है। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती में 3 चरण की काउंसलिंग के बाद खाली पदों को भरने के लिए कम मेरिट के अभ्यर्थियों ने चौथी काउंसलिंग कराए जाने की मांग की है। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार एवं बेसिक शिक्षा मंत्री से खाली पदों को भरने के लिए एक और काउंसलिंग कराने की मांग की है। मांग करने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि लगभग 600 सीट, देखिए 600 सीट अभी भी रिक्त हैं क्योंकि अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं और जिस कारण से ये 600 सीट रिक्त हैं। ऐसे में एक और काउंसलिंग कराकर खाली सीटों को भरा जाए और मेरिट को डाउन किया जाए, ये मांग की जा रही है। अब देखते हैं इससे संबंधित कोई अगला चौथी काउंसलिंग के लिए कोई आदेश जारी होता है या नहीं। जैसे ही कोई आदेश जारी होगा तो उसके लिए आपको जरूर सूचना दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से एक अपडेट मिली है कि 600 अभी भी पद रिक्त रह गए हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में। ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।